पूरी दुनिया के अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट्स जो हैं, अलग अलग तरह के कानून जो हैं पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं जहाँ जहाँ ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। ये मतलब कोई आसान नहीं कर रही कोई भी सरकार फॉरेस्ट राइट एक्ट राइट्स दे के फॉरेस्ट डिविलियर्स को, आसान नहीं कर रहे। ये अपने आप को बचा रहे हैं, हाँ इन्वायरमेंट को बचा रहे हैं, जिससे इनका अर्बन बचेगा। मतलब फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट डिविलियर्स तो जंगल में रहेगा ना, उसको तो शहर से कुछ लेना देना नहीं है। ये अपने अर्बन को, अपने मुल्क को इसलिए बचा रहे हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट लगेगा तो इनका जंगल सेफ रहेगा, एक बात। दूसरा ये है कि हम पूरे, मतलब एक मुद्दत से जे एंड के स्टेट के अंदर वाइल द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन द ट्राइबल कम्युनिटीज हियर इन द स्टेट, उसके बावजूद हम डिमांड कर रहे हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर है तो क्यों ना जम्मू कश्मीर के अंदर हो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ की आज तक की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज प्लस जितनी भी सरकारी रही, उन्होंने सीरियसली नहीं लिया जो फॉरेस्ट एक्ट में जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए जो राइट्स अवेलेबल होने चाहिए, दे शुड बी मेड अवेलेबल टू एवरीबॉडी, बट दैट डज नॉट गिव यू अ राइट टू ऑक्यूपाई फॉरेस्ट लैंड्स इलीगली, दैट डज नॉट गिव यू अ राइट टू ऑक्यूपाई स्टेट लैंड इलीगली, दैट इन द नेम ऑफ नॉट फॉर्मुलेटिंग अ ट्राइबल पॉलिसी एज ऑन डेट यू आर गिविंग देम अ प्रोटेक्शन, अ लीगल इम्यूनिटी, एन एडमिनिस्ट्रेटिव इम्यूनिटी to go and occupy lands, to go and capture lands, and then you are telling your officers not to take action against them. BJP ने जो मैंने पहले भी बताया, दो साल में ब्रांडिंग की है कि गुजर बकरवाल कम्युनिटीज आर लैंड ग्रैबर्स, इनक्रोचर्स। जब ये लैंड ग्रैबिंग और ये सारा सेंटीमेंट आप यहाँ जम्मू के हिंदुओं के अंदर भर दिया, तो फिर आज अपोज करेंगे तो वो उनके सामने हीरो बनेंगे। जो आम लोग हैं उनको नहीं पता कि फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या बला है। फॉरेस्ट राइट एक्ट उनको शायद ये लगता है कि शायद ये जंगलों में इनको इजाज़त मिल जाएगी, कुल्हाड़ी और तीर तलवार लेके शुरू हो जाएंगे, जड़ों से जंगल को उखाड़ के फेंक देंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉरेस्ट राइट एक्ट लगने से जंगल बचेंगे। वी हैव एन एक्ट अमेंडेड एंड एट पार विद इंडिया और मे बी इवन अ बेटर एक्ट वुड एनेबल द गवर्नमेंट टू क्रैक डाउन ऑन the forest smugglers, one, and these forest smugglers, mind you, are not nomads. These forest smugglers are big land mafia or forest mafia, and they are operating with the patronage of people within the administration or people with political influence. और अब मतलब बदकिस्मती ये है, जब असेंबली सेशन चल रहा था तो MLA हमारे राजौरी से एक, उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल सबमिट किया फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेके कि ठीक है भाई साहब आप इंडिया वाला ना लगाइए। अब जम्मू एंड कश्मीर के पास अपनी स्पेशल पावर्स हैं, आप बना दीजिए यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट की तर्ज का एक एक्ट। वो हिंदुस्तान का फॉरेस्ट राइट एक्ट एक ट्राइबल फैमिली को देता है 32 कनाल ज़मीन, आप 32 ना दे दीजिए, आप 16 दे दीजिए, चलिए कुछ तो दीजिए, कोई राइट तो दीजिए। फॉरेस्ट राइट एक्ट लगा होता तो आज आसिफा किसी स्कूल में पढ़ रही होती। अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं लगेगा, हज़ारों आसिफाएँ और होंगी। ये हमारा मानना है, ये हमारा, हमारी लड़ाई ये है। दे विल ऑफर प्रोटेक्शन टू द नोमैड्स हु आर लिविंग इन द फॉरेस्ट और लिविंग ऑफ द फॉरेस्ट, एंड दैट इज़ द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। इट इज़ वेरी अनफेयर टू डिसलोकेट देम फ्रॉम फॉरेस्ट और टू डिसलोकेट देम फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग, विच इज़ दे शिफ्ट सीजनली फ्रॉम द हिली एरियाज टू द प्लेन्स इन द winters and then they go back again in the summers, and that's the usual pattern which has been going on for centuries. Now most of these nomads, barring a few tribes, are Muslim majority, so there is some kind of religious and affinity at play. While the Muslim politicians would want a law in place to protect the interests of these nomads, the at least the right wing, the Hindu right wing leadership in Jammu would not want that to happen. And ironically, in last month in the assembly when this issue was taken up, the BJP legislators opposed any move to bring in a law at par with the national law on forest protection, stating that this is a special status state. And even though they've been always opposing the special status of the state. ट्राइबल कम्युनिटी का सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि ट्राइबल कम्युनिटी जो है जंगलों के अंदर रहेगी, अपना कल्चर जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है कल्चर को बचा लेगी, जो उनका ट्रेडिशन है उसको बचा लेगी, और दूसरे नंबर अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, और जो बेसिक फैसिलिटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है हर हिंदुस्तानी को, हर मुल्क के बाशिंदे को, वो कम अज़ कम उसके ज़ुमरे में वो लोग भी आ जाएंगे। मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू एजुकेशन,
और राइट टू हेल्थ, ये सारी चीज़ें जितने भी आपके राइट्स हैं वो इन बेचारों को भी मिल पाएंगे। और जब वो सारे राइट्स मिल गए तो वो भी आपकी कतार में, जो राइट टू इक्वलिटी कहती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है प्रीएम्बल के अंदर की इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो वो चीज़ इक्वल अप कर रहे हैं कम अज़ कम। सिटी इज डेवलपिंग इन द मोस्ट अनप्लान्ड मैनर and that's not let's not place the blame on the nomads who have a traditional way of living which is also sustainable in many ways. They don't go in for say vertical expansion of the cities. They're not creating high rise buildings in areas where they shouldn't be doing. They have these small huts, these very sustainable ways of living. They're not contributing to plastic garbage and things like that. I mean, little small things that would erode the sustainability of the place. So I don't think that whole question of it's a very flawed argument. Who is it that is contributing to the entire conversion of forest and agricultural land to commercial areas? Who are these people? These are the big fishes. These are not nomads. These are not the poor people who are living on forests or living a nomadic way of life. So I think that entire argument is pretty flawed. एक बंदा जो गांधीनगर के अंदर बैठा हुआ है, जम्मू के अंदर बैठा हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के सारे राइट्स लेके पूरा एंजॉय कर रहा है अपने राइट्स को, लेकिन एक बंदा जो जंगल के अंदर बैठा हुआ है उसको कुछ पता भी नहीं है, वो उसकी नस्लें खप जाएंगी, उसके जानवर भी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वो अलिफ मतलब ABC उसको नहीं आएगी उसकी किसी भी जनरेशन को, तो कहाँ इक्वलिटी हुई? तो कुल मिला के ट्राइबल कम्युनिटी को तो फ़ायदा है ही है, प्लस हिंदुस्तान के कानून को और ख़ासकर जम्मू कश्मीर का जो जंगलात हैं जो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं उसको बचाने की एक बहुत बड़ी ये कोशिश होगी। और सबसे बड़ी फॉरेस्ट राइट एक्ट लगने से इंसानियत का फ़ायदा होगा। इंसानियत का कैसे फ़ायदा? जंगलात बचेंगे तो इंसानियत बचेगी।